अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक फाइनेंशियल एलिमेंट्स में से दूसरा हेड यानी कि लायबिलिटीज। सो लेट्स बिगिन। लायबिलिटीज भी असेट्स की तरह दो तरह की होती हैं, यानी करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपको एक साल से कम के अरसे में पे करनी हो, और लॉन्ग टर्म इसकी जस्ट अपोजिट होती है, यानी वो लायबिलिटीज जो आपको एक साल से ज़ायद के अरसे में पे करनी हो, यानी जिनकी डेडलाइन एक साल से ज्यादा की हो। करंट लायबिलिटीज में नॉर्मली आता है अकाउंट्स पेबल, यानी कि आपने जो माल उधार पे खरीदा था उसकी पेमेंट। नोट्स पेबल, यानी कि आपने कोई चीज उधार पे खरीदी थी और उसके लिए आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, वो पे करने वाला है आपका एक साल से पहले। इसी तरह से टैक्सेस पेबल, अक्रूड एक्सपेंसेस, या फिर लॉन्ग टर्म डेट का करंट पोर्शन, यानी कि आपने कोई लंबे अरसे का कर्जा लिया हुआ था उसका एक सर्टेन पोर्शन जो आपको एक साल से कम में पे करना है वो। ऑन दी अदर हैंड, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी वो लायबिलिटीज जो आपको एक साल से ज्यादा अरसे की डेडलाइन के अंदर पे करनी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में नॉर्मली लॉन्ग टर्म डेट या बॉन्ड्स या डिबेंचर पेबल ही शामिल होते हैं, इसके अलावा इसमें यूजली कोई चीज़ नहीं होती। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।